वेलकम टू एवरी वन। हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं सेमेस्टर फाइव। तो सेमेस्टर फाइव में पेपर 11 स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि लिमिट एंड कंटिन्यूटी फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल, जो कि फर्स्ट चैप्टर है हमारा, उसको हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर इंपॉर्टेंट होता है, उससे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मीन्स उससे क्वेश्चन एग्जाम में आते ही आते हैं, चाहे वो 2 मार्क्स का है या फिर 4 मार्क्स का है, लेकिन आ जाते हैं उससे क्वेश्चन। इसलिए चैप्टर वन को कभी भी अवॉइड नहीं करना है, चैप्टर वन जरूर पढ़िए। तो देखिए, इसमें बहुत ईजी है। सबसे पहले कुछ कुछ बेसिक चीजें सीखेंगी, क्योंकि आज के लिए बेसिक क्लास ही होगा ये हमारा। ठीक है, उसके बाद जो एग्जाम का पैटर्न, जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो हम सॉल्व करवाएंगे। ओके, तो सबसे पहले हम सीखेंगे लिमिट ऑफ फंक्शन क्या होता है। इससे पहले आप लोग पढ़े होंगे, 9th में पढ़े होंगे या फिर ग्रेजुएशन में भी पढ़े हैं। ठीक है, फंक्शन, लिमिट ऑफ फंक्शन, लिमिटिंग पॉइंट जो होती है, तो इसमें क्या होता है, कुछ इस तरीके से लिखा हुआ रहता है ना, लिमिट इस तरीके से देखिए, LIM लिमिट। ठीक है, जैसे x टेंड्स टू 0 और कुछ यहाँ f ऑफ x, इस तरीके से फंक्शन दिया हुआ रहता है। ठीक है, मतलब x टेंड्स टू 0, x जो है वो 0 की ओर जा रहा है, दिस इज इक्वल टू वैल्यू कुछ भी हो, l हो या कुछ भी हो सकता है, यहाँ वैल्यू आ सकता है हमारा। ठीक, देन तो ये जो होता है ना, ये टर्म को बोलते हैं हम लोग क्या, लिमिटिंग पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, दिस वन इज द लिमिटिंग पॉइंट, एंड ये जो हमारा होता है वो क्या होता है, लिमिटिंग वैल्यू निकल के आती है। ठीक है, दिस इज द वैल्यू, दिस इज लिमिटिंग वैल्यू एंड दिस इज द लिमिटिंग पॉइंट। ओके, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं लिमिट ऑफ फंक्शन। एंड जो भी मेरे चैनल पर नए हैं, प्लीज उनको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स में ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर कर दीजिए, क्योंकि सेमेस्टर फाइव की क्लास स्टार्ट कर दी है एंड पेपर 11 स्टार्ट हुआ, उसके बाद फिर डीएससी 1 भी हम करवाएंगे, सारा करवाएंगे। ठीक है, पेपर 11 12 एंड डीएससी 1 एंड 2। ओके, तो देखिए सबसे पहले लिमिट ऑफ अ फंक्शन, तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे, इसमें कुछ हमारा इंपॉर्टेंट चीज है उसको हम लोग देखेंगे। ठीक, लिमिट क्या है, x टेंस टू 0 एंड f ऑफ x इक्वल टू हमारा l वैल्यू आया एंड ये हमारा एग्जिट कर रहा है, तो इसमें दो कंडीशन हमारे पास आता है। ठीक है, दो कंडीशन ऑब्टेन होता है, वो कंडीशन क्या है देखिए, एग्जिट मीन्स क्या होगा, मीन्स नंबर वन कंडीशन जो हमारा आता है क्या होता है, इस तरीके से एफ ऑफ एक्स ये वाला टर्म्स माइनस एल दिस वन एंड ये हमारा क्या होगा, मोड में होगा, मोड मतलब जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी हमेशा। ठीक है, देन दिस वन ये जो है वो लेस देन क्या होगा, एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन अब क्या होता है, तो एप्सिलॉन को एक स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी होता है हमारा। ठीक है, तो दिस वन इज द वेरिएबल क्या होगा, दिस वन 0 से बड़ा होगा, क्या होगा, तो एक्स टेंस टू, सॉरी यहाँ पे एक्स टेंस टू ए होगा। ओके, एक्स टेंस टू 0 नहीं, एक्स टेंस टू ए कोई पॉइंट की ओर जा रहा है, इसको सुधार लीजिएगा। टेक दिस वन, देन क्या होगा, एफ ऑफ एक्स माइनस एल दिस मोड लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर, कब 0 से बड़ा होगा, क्या बड़ा होगा, तो एक्स माइनस ए का मोड, और ये टर्म जो है वो एप्सिलॉन या बोल सकते हैं डेल से छोटा होगा, डेल जो है ये भी हमारा वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी है। ओके, एंड एप्सिलॉन से ही रिप्रेजेंट हो जाता है ये हमारा डेल। ठीक, एंड यहाँ लिख देते हैं हम, वेयर एप्सिलॉन जो है वो वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी है एंड डेल इज पॉजिटिव रियल नंबर डिपेंडिंग, किस पे डिपेंड कर रहा है, तो एप्सिलॉन पे ये हमारा डिपेंड करता है। ओके, तो एक कंडीशन हमारा यहाँ पे ये ऑब्टेन करते हैं, देन सेकेंड कंडीशन हमारा होता है, इसी चीज को हम लोग लिख सकते हैं क्या, एल माइनस एप्सिलॉन से बड़ा क्या है, एफ ऑफ एक्स, और छोटा हो किससे, एल प्लस एप्सिलॉन से, ये लिमिटिंग हो जाता है यहां से यहां तक। ठीक है, वेन एवर, वेन एवर कब, तो a माइनस डेल इस तरीके से लिखेंगे, दिस वन ये देखिए इस तरीके से लिखेंगे, तो ये रिप्रेजेंट करना होगा। ठीक है, जब ये होगा वेन एवर, मतलब जब ये होगा तो ये कंडीशन अप्लाई होगा, एंड यहाँ पे जो है दिस वन, ये हमारा x
देन क्या है ए प्लस डेल, और ये कंडीशन जब अप्लाई होगा तो ये हमारा रिजल्ट देगा। रिजल्ट हमारा ये है, लेकिन कंडीशन जब ये अप्लाई करेंगे तब रिजल्ट हमारा ये देगा, ठीक है। ये कंडीशन अप्लाई होगा व्हेनेवर, मतलब कब, जब इस तरीके से होगा देन हमारा ये रिजल्ट होगा, ठीक है। तो ये दो कंडीशन अप्लाई हो जाती है जब ये एग्जीट करता है तो ये लिमिट ऑफ फंक्शन कहलाता है। ओके, इसका ज्योमेट्रिकली भी रिप्रेजेंटेशन होता है। ज्योमेट्रिकली इस तरीके से होता है, जैसे ग्राफ हमारा होता है ना नॉर्मल ग्राफ, इस तरीके से पॉजिटिव और नेगेटिव, इधर एक्स वैल्यू होता है इधर वाई वैल्यू होता है। तो मान लेते हैं कहीं हमारा एल, ये जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू आया, कहीं मान लेते हैं कि एल इस तरीके से वैल्यू आया, ठीक है। तो एल वैल्यू आया, देन इसका एल माइनस एप्साइलन यहाँ पे जाएगा, दिस वन नेगेटिव एंड दिस वन जो है वो पॉजिटिव, एल प्लस एप्साइलन कुछ इस तरीके से जाएगा, ठीक है। एंड ये जो टर्म्स है, ये टर्म्स जिस तरीके से दिखाता है, एक्स का वैल्यू यहाँ पे कुछ होगा, मान लेते हैं एक्स का वैल्यू यहाँ पे कुछ आया हमारा, ठीक है। तो ये जो होगा वो क्या होगा, ए माइनस डेल होगा, इधर जो होगा ए प्लस डेल हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट होता है, ये राइट हैंड लिमिट कहलाता है, क्योंकि लिमिटिंग पॉइंट जो है एक्स का ही बन रहा है ना, एक्स का लिमिटिंग पॉइंट बन रहा है जो कि इधर एंड इधर है, ठीक है, की ओर जाना होता है, ठीक है। ये जो लिमिटिंग पॉइंट है किसी की ओर जाता है। तो ये ग्राफिकली रिप्रेजेंट, तो ग्राफिकली उतनी समझनी नहीं है, बस समझिए कि ये अगर एग्जिट करता है दो कंडीशन ये हमारा क्या होता है, ऑब्टेन करते हैं, ठीक। उसके बाद हमारा आता है कुछ और कंडीशंस आते हैं, वो कंडीशंस हम लिखा दे रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ बात आती है टू वेरिएबल की, देख रहे हैं टू वेरिएबल, तो ये वन वेरिएबल का बता रहे हैं हम, ठीक है। वन वेरिएबल मतलब एक्स जो है वो वेरिएबल, वेरिएबल क्या होता है जिसका वैल्यू हम लोग निकालते हैं, ठीक है, दिस इज कॉल्ड वेरिएबल। तो एक्स, तो यहाँ वन वैल्यू का बात हो रहा था, और एक्चुअली में चैप्टर में मैं टू वेरिएबल पढ़ना है, और टू वेरिएबल का देखेंगे हम लोग, ठीक है, टू वेरिएबल फंक्शन। कैसे होगा टू वेरिएबल, मतलब क्या होगा, अब इसमें वाई आ जाएगा, एक्स ही चल रहा था, अब वाई आ जाएगा इसमें, एक्स वाई दोनों रहेगा, ठीक है। तो अब दोनों रहेगा तो किस तरीके से हम लोग मीन्स ऑप्टेन करेंगे, किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, तो इसके कुछ कंडीशंस हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं इसके कुछ, इफ एफ ऑफ क्या होगा एक्स वाई, इस तरीके से एक साथ ही दिखाएगा, ठीक है। जैसे एफ ऑफ एक्स लिख रहे थे, तो अब क्या होगा, एफ ऑफ एक्स वाई इज अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल, वेरिएबल जो कि हमारा है एक्स वाई, ठीक है। वी कैन हैव द फ्लोइंग, वी सॉरी कैन हैव द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ लिमिट्स, ठीक। कब देखिए, इफ क्या होगा, अब जो था लिमिटिंग पॉइंट हमारा क्या था, एक्स टेंड्स टू ए था, अब क्या होगा कि दो वेरिएबल आ गया है तो ए और बी दो लिमिटिंग पॉइंट होंगे हमेशा, ठीक है। एंड इफ ए और दिस वन इज बी इज द लिमिटिंग पॉइंट, लिमिटिंग पॉइंट ऑफ अ सेट ऑफ वैल्यूज ऑन द टू डायमेंशनल स्पेस, स्पेस वी मे हैव द लिमिट्स, देखिए किस तरीके से होगा। तो फर्स्ट कंडीशन हमारा निकल के आता है लिमिट, यहाँ पे क्या होगा, एक्स टेंस टू ए एंड वाई टेंस टू बी, इस तरीके से लिख सकते हैं एक साथ ही, जैसे एक्स टेंस टू ए लिखे उसी के नीचे वाई टेंस टू बी लिख सकते हैं, और यहाँ जो होगा वो क्या होगा, एफ ऑफ क्या एक्स और वाई एक साथ, इस तरीके से ऐसे लिख सकते हैं, या फिर क्या कर सकते हैं इस तरीके से, लिमिट यहाँ पे एक्स और वाई एक साथ, ये दोनों जो है ना वो एक साथ टेंस टू क्या ए बी, इस तरीके से, ठीक है। एंड यहाँ पे एफ ऑफ क्या था हमारा एक्स वाई, ऐसे लिख सकते हैं, दोनों का मीनिंग एक ही है, दोनों लिख सकते हैं, ठीक। तो फर्स्ट कंडीशन आता है, सेकेंड कंडीशन हमारा आता है इस तरीके से, लिमिट एक्स टेंस टू ए, फिर से लिमिट लिखेंगे
वाई टेंस टू बी एफ ऑफ एक्स वाई, ये हो गया ठीक। या फिर इसी को उल्टा करके लिख सकते हैं ठीक है, थर्ड में उल्टा कैसे, जैसे लिमिट यहाँ पे पहले करेंगे y टेंस टू b ठीक है, y टेंस टू b ही होगा, y टेंस टू a नहीं लिख सकते ठीक है, y टेंस टू b एंड फिर से लिमिट लिखेंगे x टेंस टू a, f ऑफ क्या होगा x y ठीक है। और ये जो दो कंडीशन है ना, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं इटरेट, इटरेटेड लिमिट। ओके इटरेट नहीं, इटरेटेड लिमिट। ओके तो ये दो चीज को बोला जाता है इटरेटेड लिमिट, और ये हमारा नॉर्मल लिमिट है। तो लिमिट ऑफ टू वेरिएबल फंक्शन, दो वेरिएबल फंक्शन का लिमिट हम लोग इस तरीके से लिखेंगे ठीक है। एंड उसके बाद आती है हमारी मेन इंपॉर्टेंट है सिमल्टेनियस लिमिट, या नॉर्मल लिमिट बोलेंगे हम लोग ठीक है। तो चलिए सिमल्टेनियस लिमिट हम लोग देखते हैं, इसे इरेज कर देना ठीक है, लिखना है ठीक है, और समझना है इसको अच्छे से। भी चैप्टर वन जो है ना, बहुत सारे टीचर स्किप कर देते हैं, चैप्टर वन पढ़ाते नहीं है, डायरेक्ट चैप्टर टू या थ्री में चले जाते हैं, जंप कर जाते हैं ठीक है। तो चैप्टर वन हम पढ़ा रहे हैं, तो आप लोग अच्छे से पढ़िए। देन सिमल्टेनियस लिमिट, और बोल सकते हैं सिंपल लिमिट ठीक है। इस चैप्टर में सिंपल कहीं लिमिट बोला जाएगा, मतलब वो सिमल्टेनियस लिमिट ही है ठीक। देन तो क्या है इसका, देखिए डिफिनेशन लिखा देते हैं सिमल्टेनियस लिमिट का। अ फंक्शन आता है एग्जाम में, अ फंक्शन जो कि फंक्शन क्या है, दो वेरिएबल है एफ ऑफ एक्स वाई, इसी चीज को हम लोग यू से यहाँ पे डिनोशन दें, यू इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई इज सेट टू हैव टू लिमिट, जो कि हम लोग देते हैं एल ठीक है, लिमिट एल एज द पॉइंट, पॉइंट हमारा क्या है तो एक्स वाई ठीक है, जो कि कहाँ पे कर रहा है ए बी पॉइंट ठीक है, लिमिटिंग पॉइंट हमारा ए एंड बी है। इफ फॉर एनी आर्बिट्री स्मॉल पॉजिटिव नंबर, जो कि स्मॉल पॉजिटिव नंबर क्या लेता है एप्सिलॉन ठीक है, जैसे बन जाता है एप्सिलॉन, देयर एग्जिट एग्जिट अ पॉजिटिव नंबर, जो कि क्या होता है डेलिक, जो कि डिपेंड करता है किस पे, एप्सिलॉन पे डिपेंड करता है ठीक है। सच दैट, तो सिमल्टेनियस लिमिट जैसे प्रूव करने के लिए दिया जाएगा, तो किस तरीके से होगा, तो देखिए इस तरीके से एफ ऑफ एक्स वाई माइनस एल मोड एल, मतलब जो रिजल्ट निकल के आएगा राइट साइड में जो लिखा रहेगा उस जगह पे लिखना है ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स वाई माइनस एल का ये मोड होगा, ये लेस देन एप्सिलॉन होगा व्हेन, सॉरी वेयर, कब होगा, तो देखिए कब ये जीरो से बड़ा क्या होगा, एक्स टेंस टू ए का मोड ये लेस देन क्या होगा डेथ ठीक है, ये चीज लिख सकते हैं। या फिर इसी चीज को और क्या लिख सकते हैं, ए माइनस डेल से बड़ा क्या होगा यहाँ पे एक्स, और उस एक्स जो है वो छोटा किससे होगा दिस वन, तो ये ए का हुआ, इसी तरीके से क्या होगा बी का ठीक है दिस वन, ये चीज लिख सकते हैं। या फिर सॉरी ये लिखे ना बी होगा, बी माइनस डेल दिस वन एंड बी प्लस डेल, ये होगा वैल्यू ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम दिखा देते हैं सिमल्टेनियस लिमिट, डेफिनेशन वही होता है सेम जैसे लिमिटिंग को होता है ठीक है। तो वही हो गया ना हमारा, मतलब दो वेरिएबल का जैसे लिमिटिंग दिखा रहे थे ठीक है, वैसे ही दिखानी है। बट इसको क्या करना है, जैसे नॉर्मल लिमिट हम फर्स्ट लिमिट बताया था ना, एफ ऑफ एक्स था माइनस एल था लेस देन एप्सिलॉन था, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स वाई आ जाएगा माइनस एल का मोड लेस देन एप्सिलॉन, कब होगा तो दिस वन कंडीशन अप्लाई होगा, तो ये दोनों कंडीशन अप्लाई होगा, ये दोनों लिख सकते हैं या फिर ये दोनों लिखिए, और करके लिखा हुआ है ना, मतलब दोनों होगा, लेकिन ये लिख सकते हैं या फिर ये लिख सकते हैं ठीक है। कभी भी ये और ये मत लिख दीजिएगा, दोनों लिखिएगा या फिर ये दोनों लिखिएगा।
एंड इसी चीज को हम लोग, ये जो टर्म्स हम लोग लिखे ना, इसी चीज को एक और तरीका से लिख सकते हैं, ऐसे एफ ऑफ एक्स वाई दिस वन माइनस एल, तो ये मोड होगा लेस देन एप्सिलॉन होगा वेन एवर, कब होगा देखिए, वेन एवर, तो वेयर मतलब क्या हुआ कि ये टर्म हमारा हुआ देन ये रिजल्ट आया, और वेन एवर मतलब ये टर्म हमारा अप्लाई होगा देन ये हमारा रिजल्ट आया, ठीक है, ये हमारा रिजल्ट है, ये इधर रिजल्ट आया और ये हमारा इधर रिजल्ट होगा कब, जब ये कंडीशन अप्लाई होगा, कब होगा, दिस वन रूट अंडर एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर दिस वन देन डेल, ये कंडीशन जब अगर कहीं अप्लाई होता है ना, तो इस जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये टर्म को लिख सकते हैं, ठीक है, और ये टर्म को लिखे मतलब क्या कि ये कंडीशन हमारा अप्लाई हो रहा है, ठीक है, तो सिमल्टेनियस लिमिट हमारा ये था, डिफिनेशन एग्जाम में आएगा तो डिफिनेशन ये आपको लिखनी है, अगर कहीं नहीं समझ में आया तो प्लीज कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा एंड वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर कर दीजिए, थैंक यू सो मच।